अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ई कॉमरेज ग्लोबल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया के मकबूल तरीन खेल कौन कौन से हैं और इनके बारे में दिलचस्प हकायक आखिर हैं क्या। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके और आप हमारे चैनल से मुस्तफीद हो सके। नाजरीन, गुज़िश्ता हजारों साल से लोग मुख्तलिफ इकसाम के खेल खेलते और देखते आ रहे हैं। यूनान में होने वाले कदीम ओलंपिक खेलों से लेकर फुटबॉल के सुपर बाउल तक खेल हमेशा से ही इंसानी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा रहे हैं। यूँ तो दुनिया में मुतअद्दिद इकसाम के खेल खेले जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दुनिया के मकबूल तरीन खेलों और इनसे वाबस्ता चंद दिलचस्प हकाइक के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, बेसबॉल। बेसबॉल अगरचा अमरीका का सबसे मकबूल तरीन खेल है, ताहम ये दीगर ममालिक में भी फैला हुआ है। बेसबॉल की सबसे पहली आलमी सीरीज 1903 में मुनाकिद हुई और आज इसका शुमार दुनिया के अहम तरीन खेलों में होता है। नंबर टू, बॉक्सिंग। बुनियादी तौर पर बॉक्सिंग के कोई कवानीन नहीं थे, यहाँ तक कि खिलाड़ियों की अमवात होने लगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस खेल के कवायद जवाबित भी मुतारिफ करवाए गए। ताहम ये एक पुरतशद्दुद खेल है और इसी वजह से कई ममालिक में इस पर पाबंदी आयद है, जबकि इस खेल को देखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। नंबर थ्री, रग्बी। रग्बी इंग्लैंड का इजाद करदा खेल है और इसका शुमार भी पुरतशद्दुद खेलों में होता है। ताहम ये खेल अमरीका समेत दुनिया भर में इंतहाई तेजी से फैल रहा है। नंबर फोर, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की बुनियाद 1895 में रखी गई, लेकिन इस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप का इनेकाद पहली बार 1949 में हुआ। इसके बाद इसे 1964 में ओलंपिक स्पोर्ट्स के तौर पर मुतारिफ कराया गया। आज वॉलीबॉल का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में होता है। नंबर फाइव, आइस हॉकी। हकीकी मायनों में आइस हॉकी 1000 साल पुराना खेल है, ताहम इसमें जिद्दत का आगाज कनाडा ने किया। सबसे पहला मुकामी सतह पर हॉकी का खेल 1875 में मॉन्ट्रियल में खेला गया। 19वीं सदी में ये खेल इंतहाई मकबूल हो गया और आज ये बैन अल-अक़वामी तौर पर भी खेला जाता है। नंबर सिक्स, टेनिस। टेनिस की इब्तदा तो इंग्लैंड से हुई, लेकिन जल्द ही अमरीका ने इसे इख्तियार कर लिया और चैंपियन बन बैठा। इस वक्त 17 मिलियन से जायद अमरीकी टेनिस खेलने के शौकीन हैं। टेनिस आलमी तौर पर लाखों मिलियन डॉलर की आमदनी का जरिया बनता है। नंबर सेवन, गोल्फ। स्कॉटलैंड का दावा है कि गोल्फ इसकी इजाद है, ताहम इस खेल ने भी दुनिया में बहुत सी तेजी से मकबूलियत हासिल की। इस खेल के मुकाबले मुनाकिद किए जाते हैं जिसमें खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को शिकस्त देकर नकद इनामी रकम तक हासिल करते हैं। गोल्फ एक मल्टी मिलियन डॉलर इंटरनेशनल खेल है। नंबर एट, क्रिकेट। यूँ तो क्रिकेट बरतानिया का इजाद करदा खेल है, लेकिन आज ये दुनिया भर में इंतहाई मकबूल है और कई ममालिक में इंतहाई दिलचस्पी के साथ खेला जाता है, जिनमें पाकिस्तान, भारत और कंबोडिया समेत कई और कंट्रीज शामिल हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है, जिसकी नाजरीन की तादाद 2.5 बिलियन है। नंबर नाइन, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जो ना सिर्फ 200 से ज्यादा ममालिक में खेला जाता है, बल्कि इन ममालिक के दरमियान बास्केटबॉल के मुकाबले भी मुनाकिद होते हैं। 300 मिलियन से ज्यादा अफराद इस खेल से लुत्फंदोज होते हैं। बास्केटबॉल आज दुनिया का एक बहुत बड़ा खेल बन चुका है। नंबर 10, फुटबॉल। फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल है। ये बास्केटबॉल की मानंद एक सस्ता और तफरी से भरपूर खेल समझा जाता है। ताहम इस खेल ने सैकड़ों ममालिक को घेर रखा है, क्योंकि इन ममालिक के दरमियान फुटबॉल के मुकाबले का इनेकाद होता है। फुटबॉल की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, बिलखसूस अमरीका में इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।